अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं रिमशा शब्बीर, शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस के मुलजिमान रहीम सवाती, अमजद हुसैन, अयाज सवाती और अहमद हुसैन की सजाओं के खिलाफ अपीलों को मंजूर करते हुए मुलजिमान की सजाएं कल अदम करार दे दी। अगर मुलजिमान दूसरे केसेस में मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, अदालत का हुक्म। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह परवीन रहमान को 2013 में कत्ल किया गया था। अदालत ने दिसंबर 2021 में मुलजिमान को दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैज़ाबाद के मकाम पर धरना देने का फैसला कर लिया। इमरान खान धरने की क़यादत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को पुरअम धरने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। इंतजामिया सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल करे, दरख्वास्त का मतन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है 26 नवंबर को सबको सरप्राइज मिलेगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से रावलपिंडी क्यों जा रहा है, इसकी हिकमत अमली जल्द समझ में आ जाएगी। लाहौर में सहाफियों से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा, जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं, मुझे कोई मसला नहीं। ये अब दोनों तरफ से फंस चुके हैं। इलेक्शन करवाते हैं तो फारिग हो जाएंगे, नहीं करवाते तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। घड़ी वाले मामले पर अदालत जा रहा हूँ। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ केयर टेकर का दौरानिया बढ़वाना चाहते हैं और मनपसंद की तैनाती भी चाहता है। एक टिकट में दो मज़े नहीं मिल सकते। इमरान खान को किसी की तैनाती पर एतराज़ नहीं। ट्विटर पैगाम में लिखा, पीडीएम का सियासी जनाजा निकल चुका है, जिसकी सियासी चीखें बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े हैं। कोरोना या डरोना का फैसला भी 72 घंटों में हो जाएगा। आइंदा 5 रोज़ सियासत में फैसला कुन है। 26 नवंबर को इमरान खान का रावलपिंडी में तारीख इस्तकबाल करेंगे। और कौमी इदारे सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5,435 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं, जबकि 42 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। इस दौरान कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।